Hello students, today we are going to learn a very beautiful poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem is written by Robert Frost. Let me introduce about Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. Robert Lee Frost जो हैं ये एक American poet हैं and he is highly regarded for his realistic, it means सच्चाई जो होती है, realistic depiction of rural life. He described, इनकी जो कविताएँ होती हैं, it's related with the nature and also the rural life. मतलब गांव की लाइफ किस तरह से है. ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट. ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर फेमस पोएट थे. ही रिसीव्ड 4 पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री. पुलित्जर प्राइज से इन्हें 4 बार सम्मानित किया गया था. अभी पुलित्जर प्राइज क्या है, 1917 में यह जो है प्रारंभ किया गया था. संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों, इट मीन्स न्यूज़ पेपर्स जो होते हैं, कल्चरल जो होता है, साहित्य, संगीत, सब जो रचना करते हैं उसके क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उन लोगों को ये प्राइज दिया जाता है. तो ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट, सो दैट ही गेट 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज. 4 बार जो हैं रॉबर्ट ली को पुलित्ज़र प्राइज से सम्मानित किया गया, ऑनर्ड किया गया. लेट्स सी कि what is about in the poet Stopping by Woods. It's written by Robert Frost and in this poem the poet Robert Frost describes a little incident. Ek choti si ghatna ka unhone ullekh kiya hai, happening in a snowy evening, which is happen in the snowy evening. It means jo snow tha, बर्फ जब गिरती है तो बर्फीली इवनिंग को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, विच इज़ हैपेंड. एज अ ट्रैवलर द पोएट इज फैसिनेटेड बाय अ ब्यूटिफुल सीन इन द वुड्स. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही डिस्क्राइब दैट कि ही इज एज अ ट्रैवलर एंड ही इज अ फैसिनेटेड एंड अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटिफुल सीन of the rural area of the woods. He stopped to enjoy, he want to stay there, but his mind urged him to go on because his duties, he said that ki his duty call him, he have to go ahead, he can't stay at a one place. Let's see the poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with the snow. This is the big forest which is fill up with the snow. Let's see. Whose woods? Woods, it means a small forest, jungle. These are, I think I know. Here the speaker, the poet of the poem, thinks that, वो सोचता है कि he knows whose woods, कि उसको पता है कि ये jungle किसका है. Are those where he stopped, जहाँ पे वो रुका है,
उस प्लेस के बारे में ही नो वेरी वेल. हिज हाउस इन द विलेज दो ही सेड दैट कि ये जंगल जिसका है, जो वुड जिसका है, द वन हु ओन्स द वुड लीव्स इन द विलेज. वह कहाँ रहता है? गांव में रहता है. जिसे ये वुड्स फॉरेस्ट जिसको बिलोंग करता है, ही लीव्स इन द विलेज. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, ही अगेन सेड दैट. सो ही विल नॉट सी द स्पीकर, इट मीन्स द पोएट. वह पोएट को नहीं दे सकता कि वह वहाँ पे रुका हुआ है, स्टॉपिंग देयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. इट मीन्स उसका जो ये फॉरेस्ट है, ये पूरा स्नो से, बर्फ से भर चुका है. तो ही कांट सी दैट, और ना ही वह उसे वहाँ पर रुका हुआ देख सकता है. सी हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक अ ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन से द स्पीकर स्टॉप्स टू वॉच रेन फॉलिंग अमंग द ट्रीज. इज इट ट्रू और फॉल्स कि स्पीकर जो है वो रुका हुआ रेन फॉलिंग देखने के लिए? इट्स अ फॉल्स बिकॉज ही स्टॉप टू सी स्नोवी इवनिंग. स्नोवी इवनिंग देखने के लिए रुका है. अगेन वी कैन से द क्वेश्चन द ओनर ऑफ द वुड्स इज नो टू द स्पीकर कि ओनर के बारे में स्पीकर को पता है. इट्स अ ट्रू और फॉल्स? तो इट्स अ ट्रू बिकॉज ही सेड दैट कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो. इस लाइन से हमको पता चल रहा है कि ही नो वेरी वेल द ओनर ऑफ द वुड्स कि जो वुड्स का, जो फॉरेस्ट का जो ओनर है उसे वह जानता है, पहचानता है. हिज हाउस इज इन द विलेज कि उसका घर कहाँ है? इन द विलेज. वी कैन अगेन से द क्वेश्चन कि द स्पीकर स्टॉप्स, वेयर द स्पीकर स्टॉप्स? तो द स्पीकर स्टॉप्स इन द वुड्स. वी कैन से विच सीजन ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब इन द पोयम. विच सीजन? तो इट्स अ विंटर सीजन. इन द पोयम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द विंटर सीजन. लेट सी द फिगर ऑफ स्पीच. हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो. देयर इज द फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन. इन्वर्जन इट मीन्स जो उल्टे सीधे क्रम में होता है और उसे हमें सीधे क्रम में लगाना होता है. इट मीन्स इसका अगर हम सेंटेंस देखेंगे, इसका राइट सेंटेंस ऑर्डर क्या हो जाएगा कि आई थिंक आई नो हुज वुड दीज आर. तो इस तरह से वह इसका राइट ऑर्डर हो जाएगा. दूसरा यहाँ पे हमारा हो सकता है एलिट्रेशन बिकॉज डब्लू एंड डब्लू दिस लेटर इज रिपीटेड. यहाँ पे ये लेटर जो है रिपीटेड हुआ है सो दैट यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी आ सकता है. मेक अ राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट रेंजर. तो क्या हो जाएगा इसका राइम स्कीम? नो. नो का दो, इट मीन्स ए ए हियर बी, और यहाँ पे हम क्या देंगे? स्नो ए. इट मीन्स इसका राइम स्कीम क्या बना हमारा? ए ए बी ए. दिस इज द राइम स्कीम ऑफ इट. और अगर इसका राइमिंग वर्ड बोला जाए तो क्या बनेगा हमारा? नो दो, दो स्नो. हियर तो कुछ नहीं बनेगा हियर से, बट ये हम लिख सकते हैं कि नो दो और दो स्नो. तो इस तरह से हमने देखा कि राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड किस तरह से बनाया जा सकता है. लेट्स सी अहेड. अब हम सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर. क्वीर, क्वीर इट मीन्स स्ट्रेंज, विचित्र. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. हियर द पोएट डिस्क्राइब द डार्केस्ट इवनिंग. यहाँ पे पोएट ने डार्केस्ट इवनिंग को डिस्क्राइब किया. ही सेड दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ द पोयम
हिज लिटिल हॉर्स, उसका जो छोटा सा हॉर्स है. अभी हॉर्स के लिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, लिटिल, राइट. दिस इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ द हॉर्स. तो ही सेड दैट कि हिज लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक कि इट इज़ अ स्ट्रेंज. वो सोच रहा है कि ये जो है प्लेस जो है ये पूरा स्ट्रेंज है, विचित्र है, विलक्षण है. बिकॉज ही नेवर सीन दैट टाइप ऑफ सीन, इस तरह का दृश्य उसने नहीं देखा था. सो दैट ही वॉज थिंकिंग, सी हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में क्या होगा हमारा, पर्सोनिफिकेशन. बिकॉज थिंकिंग इज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. हॉर्स कैन नॉट थिंक, हॉर्स नहीं सोच सकता है. बट द पोएट इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी टू हॉर्स. ह्यूमन क्वालिटी जो है हॉर्स को दिया, सो दैट हियर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच विल कम. इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आएगा. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ही सेड दैट कि हिज हॉर्स इज स्टॉप एट अ प्लेस. उसका जो हॉर्स है वह बिना फार्म हाउस के ही वह रुक जाता है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. फ्रोजन, फ्रोजन इट मीन्स जमा हुआ, जो बर्फ से जम जाता है उसे कहते हैं फ्रोजन. तो जो झील बर्फ से जम गई है और जो जंगल है उसके बीच में जो हॉर्स है वो रुक गया है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ही डिस्क्राइब कि वेयर देयर इज अ नॉट इवन अ फार्म हाउस एंड इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. कि वह जो है सबसे अंधेरी वाली, सबसे डार्केस्ट काली इवनिंग है, शाम है. हियर वी कैन से द क्वेश्चन, वी कैन आस्क द क्वेश्चंस लाइक द हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड एंड वॉन्ट्स टू कीप गोइंग. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या आएगा हमारा, फॉल्स. द हॉर्स इज नॉट वरीड, वो चिंतित नहीं है, राइट. The speaker doesn't emphasize the beauty of the woods he is passing through. It's a true or false? कि यहाँ पे poet जो है he is describing about the beautiness of the nature, woods. It's a true or false? It's a false because he is describing. उन्होंने describe किया है. The day described in the poem, fish day is describing in the poem. तो darkest evening. यहाँ पे जो डे डिस्क्राइब किया गया है इट्स अ इवनिंग. व्हाट इज द स्पीकर राइड? तो द स्पीकर इज राइडिंग ऑन अ लिटिल हॉर्स. क्या चला रहा है वो राइटर, पोएट? द लिटिल हॉर्स, स्मॉल घोड़ा चला रहा है. द स्पीकर स्टॉप्ड हिज हॉर्स एट द प्लेस बिटवीन. कंप्लीट द सेंटेंस. तो बिटवीन द फ्रोजन लेक एंड वुड्स, या वुड्स एंड फ्रोजन लेक्स. ओके, इसके आगे हम देखेंगे राइम स्कीम. क्वी ए, नियर ए, लेक बी एंड ईयर ए. यहाँ पे ए ए बी ए, इस तरह से इसका राइम स्कीम बन गया. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ इट. तो क्वीर, नियर, नियर ईयर. तो इस तरह से इसका राइमिंग वर्ड्स बन गया. राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द इवनिंग. इवनिंग को के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आया है? तो यहाँ पे इवनिंग के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड आया डार्केस्ट. This is the describing word of evening.